उसमें बसी हुई थी। उस नगर में सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष, नारियां, पशु पक्षी इस तरह रहते थे जैसे बैकुंठवासी रहते हों। बैकुंठ से भी अधिक सुंदर वह नगर था और नारद जी भ्रमण करते हुए जब उस नगर के निकट से गुजरे तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर और मनोहर नगर ये तो हमारी दृष्टि में अभी तक आया ही नहीं। उस नगर के निकट पहुंचकर वहां के नगर नर नारियों से पूछने लगे कि ये नगर इतना सुंदर इतना मनोहर क्यों दिखाई पड़ रहा है। तब नगरवासी कहने लगते हैं कि यहाँ के जो राजा हैं शीलनिधि, उनकी एक कन्या है विश्वमोहिनी, उसका नाम है, उसका स्वयंवर होना है, इसलिए इस नगर को इस तरह से सजाया गया है। नारद जी जो राजा है ना शीलनिधि, उनकी राजमहल में पहुंच जाते हैं। उनके राजमहल में पहुंचकर जब राजा जी देखते हैं कि स्वयं नारद मुनि आए हैं तो उनको उच्चासन पर बिठाते हैं, उनके पद पखार के उनकी पूजा करते हैं और अपनी कन्या विश्वमोहिनी को बुलाते हैं। विश्वमोहिनी को बुलाकर नारद जी से पूछने लगते हैं, लक्षणता सुबिलोक भुलाने हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जब उस कन्या के स्वरूप को नारद जी देखते हैं तो उनको देखते ही रह जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, देखकर सोचने लगते हैं कि यदि इस कन्या का विवाह हमसे हो जाए तो कितना उत्तम है, इसके जैसी कन्या तो पूरे विश्व में हो ही नहीं सकती। लेकिन अपने मन में उत्पन्न हुए इन विचारों को वहां प्रकट नहीं करते हैं। उस शीलनिधि राजा पूछने लगते हैं, हे नारद जी महाराज, मेरी कन्या के गुण और दोष बताइए। तब नारद जी कहने लगते हैं कि आपकी कन्या जैसी कन्या तो कोई हो ही नहीं सकती। इस कन्या से जो भी विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, उसको सारे विश्व के देवी देवता पूजा करेंगे और कुछ अपनी तरफ से दो चार बातें जोड़ दी। और इस तरह कहकर नारद जी कहने लगे कि इससे तो किसी तपसी धीर भीर मुनि ज्ञानी की सब का विवाह होना चाहिए। इस तरह बोलकर नारद जी वहाँ से चल देते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे क्या उपाय किया जाए कि इस कन्या का विवाह हमसे हो जाए। और इस तरह सोचकर भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु से कहने लगते हैं, हरि सन मांगो सुंदरताई हुई है जातु गहरो अति भाई। मैं एक काम करता हूं कि भगवान से जाकर सुंदरता मांग लेता हूं और जब सुंदर हो जाऊंगा तो स्वयंवर वह कन्या मुझे ही बरेगी। और ऐसा सोचकर नारद जी महाराज विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे हरि रूप दे दीजिए। अब हरि के कई अर्थ होते हैं, सिंह शेर होता है ना, शेर को भी हरि कहते हैं, जल को भी हरि कहते हैं, सर्प को भी हरि कहते हैं और वानर को भी हरि कहते हैं। तो भगवान उनको नारद जी को वानर का रूप दे देते हैं। अब नारद जी समझते हैं कि मुझे हरि रूप मिल गया, मेरे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं, स्वयंवर भूमि में जाऊंगा तो वह कन्या निश्चित ही अब मुझे ही बरेगी। और माया के बस मुनि उस स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। स्वयंवर में पहुंचकर
जहाँ और भी माया के जो राजा महाराजा बैठे हुए हैं उन्हीं के बीच में जाके बैठ जाते हैं। उनके बीच में बैठकर सोचने लगते हैं कि यहाँ बीच में बैठा हूँ, कन्या वहाँ से यहाँ तक चल के आएगी, उसको क्यों कष्ट उठाना पड़े, मैं ही आगे बैठ जाता हूँ, उसको यहाँ तक आना ही नहीं पड़ेगा, मुझे देखकर सर्वप्रथम मेरे ही गले में माला डाल देगी। और ऐसा सोचकर नारद जी जहाँ बैठे थे वहाँ से उठकर सबसे आगे बैठ जाते हैं। अब कन्या हाथ में वरमाला लेकर स्वयंवर भूमि में आती है। नारद जी की तरफ तो उसने देखा भी नहीं, क्योंकि नारद जी तो वानर रूप में बैठे हुए थे, लेकिन नारद जी को पता ही नहीं था। अब नारद जी के बगल में भगवान शंकर के दो गण भी बैठे थे। वो गण कहने लगे कि महाराज, आपके जैसा सुंदर तो इस पूरे स्वयंवर भूमि में कोई है ही नहीं। और नारद जी सोचते हैं कि हम सचमुच बहुत सुंदर लग रहे हैं, और वो और प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब वो कन्या उनके गले में माला नहीं डालती, आगे निकल जाती है, तो वो सोचने लगते हैं शायद कन्या की दृष्टि नहीं पड़ी। और वो वहाँ से उठ के जिधर कन्या जा रही थी वहाँ आगे जाके बैठ गए, लेकिन कन्या ने वहाँ भी नहीं देखा। इस तरह घूमते घूमते कन्या ने जब उनके गले में वरमाला नहीं डाली तो उसके आगे आगे पहुँच गए। अब वो कन्या कहने लगी कि इस बानर को यहाँ किसने बुलाया है। नारद जी को तो पता ही नहीं था कि उनका मुख जो है बानर का है। अब इस तरह से भगवान विष्णु ही थोड़ी देर में एक राजकुमार का भेष धारण करके आते हैं और सभा के मध्य बैठ जाते हैं। और वो कन्या माया रूप की जो भगवान की ही माया थी, वो माया भगवान रामचंद्र जी के, भगवान विष्णु के ही गले में माला डाल देती है। भगवान के गले में माला डाल देती है, भगवान उस विश्व मोहिनी को लेकर चले जाते हैं। अब नारद जी सोचने लगते हैं कि इस कन्या ने मेरे गले में वरमाला क्यों नहीं डाली। शंकर जी के जो गण थे वो गण कहने लगे कि पहले अपना मुख तो देखो। तब वो गण, उन गणों की बात सुनकर शंकर जी जल की परछाई आती है, उस परछाई में अपना मुख देखने लगते हैं। जब उन्हें दिखाई देता है कि मेरा मुख तो बानर का है, बानर का मुख देखकर नारद जी को अत्यंत क्रोध आता है और वहाँ से चल देते हैं और सोचने लगते हैं कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ छल किया है। और भगवान को कोसते कोसते जा रहे हैं। देहूँ श्राप की मर हूँ जाई, देहूँ श्राप की मर हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराए। चाहे पंथ मिले तनु जारी, चाहे पंथ मिले तनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी।
शाही पंथ मिले तनु जारी ही चाहे पंथ मिले तनु जारी संग रमा सोई ताज कुमारी संग रमा सोई ताज कुमारी मधुर वचन सुर साई बोले मधुर वचन सुर साई